अस्सलाम वालेकुम वीवर, असास प्रोग्राम असास कफालत प्रोग्राम 10,500 की किस्त के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी ये फराम करेंगे और इसके साथ रमज़ान पैकेज के हवाले से अपडेट फराम करेंगे। 10,000 रुपए नकद कैश के हवाले से खुशखबरी और इसके साथ आपको ये बताएंगे वसीला तलीम की किस्तें। इसके साथ आपको ये भी अपडेट फराम करेंगे कि आप इसके साथ 5,000 भी नकद कैश ले सकते हैं। ये तमाम प्रोग्राम आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो मुकम्मल देखें और ऐसे तमाम गरीब अफराद जो अभी तक इन प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके उनको वीडियो शेयर किया करें ताकि उनका ही फ़ायदा हो सके। तो आज की नई खुशखबरी ये, सबसे पहले तो आपको ये अपडेट फराम कर दें कि ये तमाम खुशखबरी सुनाने से पहले आप लोगों को ये अपडेट फराम ज़रूर करेंगे कि आप लोग फौरन तौर पर अपना डायनामिक सर्वे करा के रखें ताकि कोई भी सब्सिडी जारी हो तो आप लोगों को फौरन तौर पर उसमें शामिल किया जा सके। अगर आप लोगों का डायनामिक सर्वे होगा और आपका स्कोर 32 या 32 से कम होगा तो आप लोगों को एहसास कफालत, बेनज़ीर कफालत, वसीला तलीम प्रोग्राम, नशोनुमा प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, जिसके डायनामिक सर्वे कराने की कोई चार्जिंग नहीं है। ये दफ्तर से होगा, इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। इसके साथ आपको ये बता दें कि इसके अलावा तमाम सूबाई जो हुकूमत देती है सब्सिडी, उसके साथ भी अगर आप लोगों का स्कोर 40 से कम होगा तो ऐसी तमाम सब्सिडी में आप लोगों को शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि रमज़ान पैकेज में काफ़ी ख़ानदान आयल तो हुए हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी ख़ानदान हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आयल थे, लेकिन उनको इस रमज़ान पैकेज जो कि पंजाब की हुकूमत दे रही है उसमें शामिल नहीं किया गया। इसके हवाले से अपडेट ये है कि अगर आप लोगों को काफ़ी दफ़ा हमारे वीडियो चैनल पर जारी की गई हैं जिस पर हम आपको टोल फ्री नंबर फराम करते हैं जो कि इस राशन रमज़ान पैकेज को कॉल करके आप अपडेट हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये नई खबर ये अपडेट फराम कर दें कि ऐसे तमाम ख़ानदान जो सुबह सिंध के रहने वाले हैं वो फौरन तौर पर 10,500 की किस्त के साथ 5,000 रुपये इजाफी फराम किया जाएगा, जिसकी हतमी डेट का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये 5,000 इजाफी है नकद कैश है और 10,500 की किस्त उसके बाद दी जा रही है जो कि इसके अलावा है। इसके साथ आपको ये बता दें कि सुबह पश्तून खान जो कि पेशावर का एरिया है उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि उनको 10,000 की किस्त, 10,500 की किस्त और इसके इजाफी सूबे के हिसाब से 10,000 इजाफी दिया जा रहा है। ये तकरीबन 20,500 बनता है, लेकिन उन्होंने हतमी डेट का ऐलान 10,000 का नहीं किया, लेकिन बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम एहसास कफालत प्रोग्राम की जो कि 10,500 की किस्त है उसका आगाज़ कर दिया गया है, काफ़ी ख़ानदानों के अकाउंट में ही आ चुकी है और इसको पीर वाले दिन अगले हफ्ते से चालू कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम घराने जो एहसास कफालत में नज़ीर कफालत प्रोग्राम में अहल घराने हैं वो अपनी किस्त हासिल कर सकेंगे और ये किस्त आपको रिटेलर से वसूल होगी। तमाम सूबों के हिसाब से पंजाब के लिए HBL बैंक है और दूसरे सूबों के लिए सिंध के लिए HBL है और उसके अलावा अल फलाह बैंक से ये किस्त फराम की जाएगी जो कि आपको डिवाइस से मसूल होगी। इसके साथ आपको ये बता दें कि सुबह पश्तून खान में 10,000 रुपये इजाफी फराम किए जा रहे हैं। वसीला तलीम के जो बच्चों के किस्तें हैं वो अभी तक काफ़ी ख़ानदानों को जारी नहीं की गई। तो ये आज की नई अपडेट थी। अल्लाह हाफिज़।